कैसे हैं आप सभी। आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं। आज हम एक नया सेट शुरू करेंगे। आपने देखा 2021 के जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम थी उसके दो सेट इस अग्रवाल वाले अंशॉल्ड में दिए गए थे और उन दोनों सेटों का सोल्यूशन हमने आपको दे दिया है। आज हम बात करेंगे 2019 में आए हुए जो बोर्ड पेपर था। जैसे आप देख रहे हैं इस अग्रवाल के अनसॉल्ड में जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक ईयर में 7 सेट बनाए गए हैं ना जी। एक ईयर में 7 सेट बनाए गए हैं तो 2019 के 7 सेट हैं। आज हम पहला सेट शुरू करेंगे और इसमें से आपको पता है कि हमारा कोरोना महामारी की वजह से 30% जो सिलेबस कम हुआ है तो उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ने हैं जो हमारे 30% सिलेबस में कम हो चुके हैं हम उनको नहीं लगाने वाले हैं। लगाने से फायदा क्या है, ठीक है ना, तो उनको छोड़ करके देखेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक शुरू में। बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहला प्रश्न कट गया है उसको नहीं लगाना है, सुनिकों की संख्या, ठीक है ना। जनरली आप अगर समझना ही चाहो तो द्विघात बहुपद है कि अधिक से अधिक सुनिकों की संख्या होगी तो द्विघात बहुपद है। घात के आधार पर सुनिक बताए जाते हैं, द्विघात है तो अधिक से अधिक दो होंगे, कम से कम भी दो होंगे। कम से कम पूछे, अधिक से अधिक पूछे, कुछ भी पूछे, दो है तो दो ही होंगे, न दो से कम न दो से ज्यादा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर खा की बात करते हैं। टेन ए बराबर 4/3 है तो सेक ए का मान पूछ रहा है। सोचो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। टेन ए बराबर कितना दे रहा है, 4/3। क्वेश्चन नंबर एक का खा है, टेन ए बराबर दे रहा है 4/3, ये दे रहा है ना, और पूछ रहा है मुझसे सेक ए का मान क्या होगा। मैं जानता हूं टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कर्ण कितना निकल आएगा मेरा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 16 × 9 = 25, वर्गमूल 5, कर्ण निकल आएगा मेरा 5। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण निकला है 5, आधार है 3, 5/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। अगला है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए। तो भैया 1 से 10 तक की अगर मैं धनात्मक सम संख्या की बात करूं तो सम संख्या की शुरुआत कहां से करूंगा, 2 से, 2, 4, 6, 8। क्या 10 को लूं, क्या 10 को लिया जाए, 1 से 10 तक बोला है ना, 10 लिया जाएगा, आंसर नहीं आएगा। देखिए अब एक बात तो ये है, आंसर हमें पता है, उससे मैचिंग करवाएं, आगे बात समझ में ना। और एक बात ये है कि बोर्ड में तो एग्जाम में हमें आंसर थोड़ी ना पता होगा यार, 10 को लें या ना लें। तो यहां पर क्वेश्चन को देखकर उसकी कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिए। आप 1 से 10 तक बोला है, 1 से 10 के बीच नहीं बोला है ना, के बीच बोला होता तब हम उसके बीच में ही रहते, भैया उधर उधर नहीं जाएंगे, बीच में 1 से 10 तक। तो एक को तो ले नहीं सकते, एक को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, क्या पूछा इनका समांतर माध्य, तो इनकी योगफल बटे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6, 4, 10, 10, 20, 8, 28, 2, 30/5, 36, योगफल बटे उनकी संख्या ना, तो सबको जोड़ लिया मैंने, 30 आएगा, 30/5 कर दिया, कितना आ गया, 5, 36, 6 आ जाएगा। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, अगला क्वेश्चन है। शांत दशमलव में बोल रहा है 124 बटे कितना, 164, फिर अगली संख्या क्या है, 131 बटे 30 है केवल, फिर अगला 227 बटे 625, 625 बटे 4, यहां पे कर देते हैं 625 बटे 462, ठीक है ना। चलिए ये चार संख्याएं बोल रही है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो शांत दशमलव में है। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गए आप, क्योंकि मैं यहां पर अनसॉल्व सेट करा रहा हूं, आपको क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, और ना ही आपने कमेंट बॉक्स में कोई रिक्वेस्ट की है कि मैं उसके पैटर्न पर चलूं, तो
मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड अगर किया जाए तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो दो या पांच या दोनों, दोनों का मतलब दो या पांच, दोनों आ जाए, या तो सिर्फ दो आए, सिर्फ दो आने का मतलब चाहे जय दो आए उससे मतलब नहीं है, दो की चाहे जितनी घात बनती जाए उसमें, चाहे जितनी बार दो आए लेकिन सिर्फ दो ही आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या फिर सिर्फ पांच आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या सिर्फ या दो और पांच दोनों आ जाए, लेकिन दो और पांच के अलावा अगर और कोई दिखाई दिया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत में दो होते हैं ना, अशांत आवर्ती जिसमें दशमलव के बाद कुछ संख्याओं का क्या बार बार पुनरावृत्ति होती हो, और एक होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इसके हरों को देखो बस एक बार, 164 है, 30 है, 5 6 30 है ना, 5 6 30 का मतलब 6 का गुणनखंड 2 3 3 आ रहा है, इसका नहीं होने वाला, 625 लग रहा है, 5 वाच में टूटेगा ये पूरा, ठीक है ना। तो 625 पे मुझे डाउट हो रहा है, बस एक बार जल्दी से मैंने गुणनखंड निकाल लिया, 5 से काट दिया कितनी बार जाएगा 125, फिर 5 से काट दिया 25 5 125, फिर 5 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, बोलो 5 ही 5 आ रहे हो आप, मेरे शर्त को फॉलो कर रहे हो, आपका हर का अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 आ रहे हो आप, आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यही मेरा राइट आंसर है, क्लियर होगी बातें, दूसरा वाला आ रहा है 227/625 को सही नहीं बोला है, क्या कह रहा है, शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, सभी तो बटे में दी गई है, सभी परिमेय संख्या है, इन परिमेय संख्याओं में 227/625 का मैंने हर का अभाज्य गुणनखंड किया, ये 5 का गुणज बन रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो निश्चित रूप से एक शांत, इसका दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आंसर में क्या दे रहा है, 121/30 दे रहा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, यार गलत दे रहा है भाई, 30 कैसे हो सकता है, उसमें 3 भी आ रहा है, इसमें वो नहीं होगा भाई, 30 कैसे हो सकता है जिसके बटे में 30 हो, 30 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा मेरा, 2 3 6 5 6 30 ही तो हो रहा है, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ये जो 3 आ रहा है इसको शांत दशमलव में कन्वर्ट नहीं होने देगा, अरे बात समझ में, क्योंकि शांत दशमलव में कन्वर्ट वही हो सकती है जिनका हर 10 व 10 का गुणज बन जाए, 10 का क्या बन जाए, गुणज बन जाए, और 10 बनने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए या 5 चाहिए, अगर सिर्फ 5 है तो अंश और हर में 2 से गुणा करा के बैलेंस कर सकता हूँ, सिर्फ 2 है तो अंश और हर में 5 से गुणा करा के बैलेंस कर सकता हूँ, दोनों है तो ठीक ही है जो भी है, लेकिन 10 जो बनने की प्रक्रिया वो 2 और 5 के जरिए है, अन्य किसी के जरिए नहीं है, तो यहाँ पर आंसर इसका गलत आ रहा है, आंसर भाई यही होगा 227/625, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, पहले के बहुविकल्पीय खत्म भैया, तब पॉज द वीडियो, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब देखिए पहले के बहुविकल्प में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो कट चुके हैं, एक वृत्त से संबंधित है और ये प्रायिकता से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 2 का क्या है, एक द्विघात समीकरण है, px स्क्वायर बोल दीजिए, px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के दो मूल समान हैं, इसके दो मूल क्या हैं, समान हैं, किसी द्विघात समीकरण के अगर दो मूल समान हैं तो आप क्या समझते हो उनपे, क्या प्रतिबंध लगा सकते हो, दो मूल समान है तो विविक्तर का मान 0 होगा, बिल्कुल सही, हमारा बी स्क्वायर माइनस 4 एसी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मैं इसकी तुलना कर लेता हूं, मानक समीकरण, मानक द्विघात समीकरण की क्या होगा मेरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, a बराबर p, b बराबर माइनस 2√5p, क्योंकि b का मतलब होता है x का गुणांक, x जहां है उसे दबा लो, जो कुछ भी बचे सब लिख दो, ठीक है ना, अचर पद, c बराबर 15, समझ में आया इतना, बोलिए, एक
की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ठीक है ना। चूंकि दोनों मूल क्या है, समान है। चूंकि दोनों मूल समान है, चूंकि दोनों मूल क्या है, समान है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात। अब इसकी वैल्यू रख दो यहां पर, बी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर करो, माइनस टू रूट फाइव पी, पूरे का क्या स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू पी, इंटू सी की वैल्यू 15 बराबर किसके, जीरो के। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, और दो का स्क्वायर करेंगे चार हो जाएगा, पांच का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा इसका, रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ पांच बचेगा, पांच चौक बीस पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, और ये 15 चौक के 60 माइनस कितना 60 पी बराबर कितने के। अब यहां पर दो गलतियां होती हैं हमसे, ठीक है ना, यहां से 100% एक काफी स्टूडेंट गलती करने वाले हैं। क्या गलती करने वाले हैं, हाँ ये देखते हैं। पहले प्रकार के स्टूडेंट जो 20p स्क्वायर माइनस 60p को उधर भेज देंगे, 60p हो जाएगा, और p से इसकी एक घात खत्म कर देंगे, और p बराबर निकाल लेंगे 60/20, 0 0 कट के 2 3 6 आ जाएगा, p की वैल्यू 3 आ जाएगा, आंसर मान लेंगे, ठीक। ये जनरली सब लोग कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज यहां पर यह सोचनी चाहिए कि जिस पी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो पी इस समय किस समीकरण का रूप में बना हुआ है, द्विघात समीकरण के रूप में बना हुआ है। अतः पी अगर द्विघात समीकरण के रूप में वहां पर बना हुआ है तो पी का जो मान आएगा वो दो मान आएंगे, दूसरा कहां है, नहीं मिला, तो दूसरा कहां से लाएंगे हम। तो हमारा तरीका यह था, पी की वैल्यू 3 गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से दूसरा मान नहीं आ पाता। जहां हमने लिखा यहां पर, ये सेकंड मेथड को मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, सेकंड मेथड में क्या है, जैसे 20p स्क्वायर और 60p है, तो मैं इसमें से कुछ कॉमन लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो 20 3 60, 20 भी कॉमन हो जाएगा, साथ में p भी कॉमन हो जाएगा, तो मेरा 20p इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहां से 20 में भाग दूंगा, केवल p बचेगा, 20 3 60, p माइनस 3 बराबर कितना, 0। अब ये दो मेरे दो गुणनखंड के रूप की भांति व्यवहार कर रहे हैं। एक बार 20p को बराबर 0 मानूंगा मैं, यदि 20p को मैं 0 मान के चल रहा हूं तो मेरे p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। और यदि मैं p माइनस 3 को 0 के बराबर चल रहा हूं तो p बराबर कितना मिल जाएगा मुझे, 3। अतः p बराबर 0 और p बराबर 3, ये दो मान संभव है। बोला अगर मैं यहां लगा देता तो गलत नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है, p के दो मान आएंगे, लेकिन अब इसमें से एक मान को हम लेकर नहीं चल सकते, जीरो वाले को, ठीक है ना। कौन बताएगा कारण, पी बराबर जीरो लेकर हम नहीं चल सकते, हमारी मजबूरी है, कारण कितने लोगों को पता है, हाथ उठाए, बताइए। द्विघात समीकरण, मैं द्विघात समीकरण हूं, मैं क्या हूं, तो मेरा अस्तित्व, मेरे पैर किस पर टिके हुए हैं, द्विघात समीकरण की डेफिनेशन कहां से मिलती है, यक्ष की अधिकतम घात जो होती है वही तो उसका समीकरण का प्रारूप बनाती है। तो यहां पर x की अधिकतम घात देख रहे हो 2 है ना, और उसका गुणांक कितना है, अगर p की वैल्यू 0 कर दी तो द्विघात खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। बोले तुम खत्म हो जाओ कोई परवाह नहीं जी लेंगे, तुम खत्म हो जाओ कोई परवाह नहीं जी लेंगे, लेकिन तुम चले गए तब किसके सहारे जिएंगे, समझ पाए, क्योंकि द्विघात समीकरण का वजूद किस पर टिका हुआ है, x स्क्वायर पर, और x स्क्वायर गया तो द्विघात गया। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ लिख दूं x स्क्वायर बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, है ना। आपने देखा यहां पर x वाला पद भी नहीं है, ना अचर पद है, यानी उन दोनों के ना रहने से भी यह द्विघात समीकरण इस दुनिया में कहा जाएगा। लेकिन अगर तुम चले गए फिर दुनिया में तुम्हारा नाम कौन लेगा, अतः x स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहां पर p is equal to 0 को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और p बराबर फाइनल आंसर 3 देंगे, समझ में आया। सो पॉज द वीडियो टू राइट नोट। आइए
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया 20 अंडर रूट 3 मीटर है। तो मीनार अपने खड़ी कर लेते हैं, देखो कितना आसान है मीनार बनाना। ठीक है, जय मंजिला कहो तय मंजिला बनाते बोर्ड पर लिख। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई? 20 मीटर है। वो कह रहे भाई इसकी छाया इसी जमीन पर तो आ रही होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसकी छाया यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो इसके शीर्ष और इसकी इस छाया के बिंदु को अगर मिला दें तो इसकी छाया जो आ रही है सूर्य के कारण आ रही होगी, यानी प्रकाश के कारण आ रही होगी। तो यहाँ पर उसका एक उन्नयन कोण बन रहा होगा। मान लेते हैं वो उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। और मीनार ए बी है और यहाँ पर सी पॉइंट बी सी इसकी छाया है, ठीक है ना। ए बी क्या है, ये मीनार है, और बी सी क्या है, इसकी छाया है। और छाया की लंबाई भी दी रखी है 20√3 मीटर। समझ में आया? तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा होगा, वही पूछता ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन बातों से लिखेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, बराबर थीटा, ठीक है ना। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या ले ले हम, टेन थीटा ले लेना। और टेन थीटा जब लेंगे तो लंब बटे आधार 20/20 अंडर रूट 3, 20 कट गया, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√3, 1/√3, अंडर रूट 3, 1/√3। टेन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 नहीं, टेन 30 की वैल्यू होती है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, तो implies that अगर बराबर के दोनों पक्षों में समान त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan है, तो इनके कोण definitely बराबर होंगे। implies that theta is equal to 30 degrees and that's our answer. Okay? आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आंकड़ा दिया गया है, 10, 13, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है भाई, आप इसमें से देख लीजिए, 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। 10 है, 13 है, बोलते जाइए जल्दी, 17 है, 19 है, 12, 15, 19, 20, 19, 17, ठीक है ना। कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आई है भैया, 19 ही लग रहा है मेरे को, बोलो 19। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, यहाँ तीन बार है, और 17 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, दो बार है ना, इसके अलावा ज्यादा रिप्लेसन नहीं है और किसी का, 19 के तीन रिप्लेसन है ना, 19 तीन बार आया है। चूंकि दिए गए आंकड़ों में 19 सबसे ज्यादा बार आया है, अतः बहुलक बराबर 19, कहानी खत्म। समझ में आया, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं, काखा इसके कट चुके हैं, ग वाला बताना। द्विघात समीकरण ज्ञात करना जिसके मूल 3 और 1/3 है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल कितने हैं, 3 और 1/3 है। तो माना अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर कितना, 1/3। तो द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा या मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल। बात समझ में आई, द्विघात समीकरण बनाना है ना, बराबर 0 रहेगा। बहुपद बनाना होता तो उसी पर रख देते, ठीक है ना। अब देखिए इतना बात है, बोला ये के क्यों लेके चलते हो, के मेरा एक ऐसा औजार है कि जब मेरा द्विघात समीकरण बढ़िया से सेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, के की वैल्यू कुछ भी रख करके वहां पर क्या कर दूंगा, बुरा। लेकिन फिलहाल जब मैं द्विघात समीकरण बना रहा हूं तो के को लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, बहुपद में जरूरी होते हैं क्योंकि बहुपद में हमारे पास दोनों पक्ष नहीं होते हैं, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण में इनकी कोई ज्यादा विशेष वैल्यू नहीं है भाई, अगर बटे में आ भी रहा तो दोनों पक्षों में गुणा करा के बटा खत्म कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3 + 1/3,
इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कह रहा हूं, तीन गुणे कितना एक बटे बराबर, यहाँ तीन से तीन कट गया, तीन तरीका नौ एक दस बटे तीन, ठीक है ना। तो k की वैल्यू यहाँ पर तीन रख दी जाए, k को हटा के ही रखो यार, हटाओ k को, फालतू में ना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस तीन तरीका नौ एक दस बटे तीन इंटू एक्स प्लस कितना एक बराबर जीरो, दोनों बच्चों में तीन से गुणा करा दो। यही काम करने के लिए अगर बराबर जीरो नहीं होता तो के का यहां महत्व होता, लेकिन आज देखो यही समय है के का। आ गया ये एक्स स्क्वायर, दोनों बच्चों में तीन से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस तीन के तीन बराबर किसके बनेगा, ये द्विघात समीकरण बनाना ही तो था ना, मूल तो दे रखे थे, ठीक है ना। आंसर एक आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप है आधा परिमाप आयताकार बाघ का, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तुलना किसकी हो रही है लंबाई की किससे हो रही है चौड़ाई से, तो जिससे हो रही है उसकी मानना थोड़ा एक पॉजिटिव लैंग्वेज होती है, तो माना चौड़ाई कितनी एक्स, माना आयताकार बाघ की चौड़ाई बराबर कितनी भैया x मीटर, ठीक है ना। तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी आयताकार बाघ की लंबाई बराबर बोला चौड़ाई से चार, चौड़ाई से कहां गए क्वेश्चन, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x प्लस 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अर्ध परिमाप कौन सा परिमाप, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप, तो 2 हटा देंगे, ठीक है ना। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है मेरा क्या परिमाप, तो इसका आधा कर दूंगा तभी तो आधा आधा होगा अर्ध परिमाप, 2 से 2 कट के l प्लस बी होता है केवल, l का मतलब लंबाई जो है x प्लस 4 और b का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई जो है x मेरी प्लस कितना x, और परिमाप मुझे दिया कितना है 36 मीटर, तो x x 2x 4 इधर घटा दूंगा 32 हो जाएगा, 2x बराबर 32 के 16 आ जाएगा x का मान, अगर x का मान 16 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4 जाता है 16 प्लस 4 20 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर। आंसर बात समझ में आई, ठीक है। तो चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे खंड देखे यहाँ पर, ठीक है। अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के कुछ खंडों के, ठीक है। और इसमें आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल आते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है ना। तो बात करते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।